पर्यटक नगरी नैनीताल में होने वाली पार्किंग की समस्या को लेकर गृह मंत्रालय से आई टीम ने बुधवार को नैनीताल मेट्रोपोल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह मंत्रालय से नैनीताल मेट्रोपोल स्थित शत्रु संपत्ति राज्य सरकार को हस्तांतरण किए जाने को इसी प्रस्ताव का अवलोकन करने मेट्रोपोल का निरीक्षण किया। इसी दौरान जिला अधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि टीम को उनके द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए और उसके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा पार्किंग के लिए विकसित किए जा रहे प्लान से अवगत भी कराया गया, जिसके तहत प्रथम चरण में 500 गाड़ियों, उन्होंने कहा कि संपत्ति हस्तांतरण के बाद यहां मल्टी स्टोरी पार्किंग विकसित की योजना पर काम किया जाएगा ताकि पर्यटन सीजन के दौरान पार्किंग की समस्या से निजात मिल सके। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। आप लोगों को पता ही है कि हम नैनीताल नगर में जो मेट्रोपोल वाला हमारा क्षेत्र है उसके बनाने के लिए अनुमति के लिए काफ़ी पहले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये प्रपोजल कस्टोडियन एनिमी प्रॉपर्टी ऑफिस में था और उनकी रिकमेंडेशन के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भारत सरकार को, गृह मंत्रालय को ये भेजा गया था। तो उसमें अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात की थी और उस वक्त इस इशू को रेज किया था। तो आज भारत सरकार की टीम यहाँ पर आई थी, उन्होंने पूरा इसका जो फर्दर प्लान है इस एरिया का, जो स्टेट गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है पार्किंग का, उसको भी समझा है और जो उनकी क्वेरीज वगैरह थी जिसमें उनको कुछ जानकारी चाहिए थी वो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोवाइड कराई है। फील्ड का भी उन्होंने इंस्पेक्शन करा है। आगे हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से एनओसी मिल जाए। यहाँ अभी 500+ से ज़्यादा सरफेस पार्किंग का है फर्स्ट फेज में। फिर यदि ये प्रॉपर्टी भविष्य में हैंडओवर होती है स्टेट गवर्नमेंट को कम्प्लीटली, तो उसके बाद फिर इस पर मल्टी स्टोरी पर भी विचार करेंगे।